विदिशा जिले के सरौंज अंतर्गत ग्राम कर्राखेड़ी में गरीबों को जून और जुलाई माह का राशन नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान है। बताया जा रहा है कि उचित मूल्य की दुकान तक राशन नहीं पहुंचने के कारण ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे जो डीलर परेशान कर रहा है साहब, एक पेल पीसी ना दाई, फिर दार ना दाई, जब एक से एक हाथी पे लगाई, जब जाके बाद दार दाई हमें। अच्छा। अब जाए छठ में महीना को जा खागा। और पंचायत कौन सी है आपकी? कर्राखेड़ी। डीलर कौन है तुम्हारा? सोनू महाराज हैं कहीं, ये तो अरे वहाँ के हैं सारे खो के। अच्छा, तुम लेने जाते हो तो क्या कहते हैं? अरे वो खेत तो कुछ नहीं है, जो कह देते दे देंगे, कहूँ नंग उठा नहीं लगे तो कह देते हैं जाओ तुम नहीं दा, तुम्हारी बहरों ने लोहा खिलाओ तो मोड़ा मोड़ी ने लाओ। बहुत परेशान करते साहब, दो महीना की दार रही थी बान है। अब चुगर मुगर की दार है, हमें थोड़ी मिल रही और पंचायत में मिल रही, हम भी पंचायत। ग्रामीण ने बताया कि बीते जून माह से राशन नहीं मिला है, जबकि डीलर द्वारा भी परेशान किया जाता है। जानकारी दी गई कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद राशन मिला, लेकिन उसके बाद भी अब राशन नहीं दिया जा रहा है। ये जुलाई का महीना खत्म होने वाला है और बीते महीने का राशन जून महीने का मिल नहीं पाया है। और आपने बताया जैसे कि फूड ऑफिसर बोल रहे हैं कि उनके माध्यम से गल्ला पहुंच चुका है, और सेल्समैन बोल रहे हैं कि गल्ला ही नहीं बांटने का, और गाँव वाले बीमार हैं। चूँकि ये कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, लोगों का खाना पीना दुश्वार हो गया है, आगे लॉकडाउन बढ़ सकता है, त्यौहार आ गए हैं, तो इनके राशन की व्यवस्था कौन कर पाएगा? अगर इस प्रकार सेल्समैन बांट नहीं पा रहा है और फूड ऑफिसर का बयान इसके खिलाफ आ रहा है, तो इस पर एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को संज्ञान लेना चाहिए कि ग्रामीण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को राशन क्यों नहीं मिल पा रहा, कहीं इसकी कालाबाजारी तो नहीं हो रही है, इसकी जांच होना चाहिए। अच्छा, जनप्रतिनिधि भी अपनी जगह सुस्त पड़े हुए हैं? जनप्रतिनिधि सिर्फ फोटो डालते हैं फेसबुक पर, मीटिंग लेते हैं, मीटिंग के अंदर उन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं है, गरीब कहाँ जाएगा? अरे मैं जनप्रतिनिधि से आग्रह करता हूँ, आपके सामने मुद्दा आया है ग्राम कर्राखेड़ी का, आप सेल्समैन से बात करिए, फोटो ऑफिसर से बात करिए, गरीबों को राशन दिलवाइए, हम आपको धन्यवाद प्रेषित करेंगे। जो भी अगर आपके संज्ञान में अगर कोई जगह आती है तो आप हमें बताएं, हम तत्काल फूड ऑफिसर को बोल के निराकरण कराएंगे समस्या। जहां एक और इस मामले में कांग्रेस नेता नरेंद्र पाटीदार ने मामले में प्रशासनिक अधिकारी को संज्ञान लेने की बात कही, जबकि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पर तंज कसते हुए गरीबों से कोई मतलब नहीं होने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर सिरौंज SDM कुमार शानू देवाड़िया ने शिकायत मिलने के बाद फूड ऑफिसर को जाँच के निर्देश देने की बात कही। सिरौंज से प्रदीप प्रजापति की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट्स देखने के लिए विजिट करें camera24.in।